नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जो जानकारी आपको दी है उससे आपको काफी फायदा हुआ होगा। तो आज मैं आपको जो शाखाएं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट ही शाखाएं बताऊंगा, पूरी शाखाएं नहीं बताऊंगा, खास खास ही आपको बताऊंगा और एक ट्रिक के माध्यम से उनको याद कराऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। बहुत गहराई से अध्ययन कराऊंगा दोस्तों और आपको एक बार में याद होगी, ये आपसे मेरा वादा है। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। इसे हमें पता करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही संबंधित हमारी जो शाखाएं हैं वो हैं। तो हमें सबसे पहले ये जीव विज्ञान पता होना चाहिए क्या है। तो जीवधारियों का जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं ना, जो जीवधारी होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। और इसके जनक होते हैं अरस्तु। अरस्तु इसके जनक है, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, वो अरस्तु होते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। तो प्रमुख इसको भाग भी कह सकती है, शाखाएं कह सकते हैं। दो भाग होते हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। फिर उनकी शाखाएं होती हैं बहुत सारी, तो वो शाखाएं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पिसिकल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है। मछली पालन किया जाता है तो इसका हम कैसे याद रखें, पिसी, यहाँ देखिए पिसी मतलब फिसल, फिसल। आपने अगर मछली को कभी छुआ होगा तो आप वो फिसलती है, हाथ से फिसल जाती है ना। तो मछली जो होती है वो फिसलती है ना, तो उससे हम याद रखें पिसिकल्चर मतलब मछली पालन इसके अंतर्गत किया जाता है। चलिए बात करते हैं पोमोलॉजी की। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बहुत ध्यान से समझें यहाँ कि इसी में आपकी ट्रिक छुपी हुई है, क्योंकि आपसे ट्रिक है। तो यहाँ देखें आप पोमोलॉजी है ना, पोमोलॉजी, यहाँ देखें फल, फलों की बात की जा रही है। मतलब यहाँ देखें फल, पास से आप पपीता समझ लें, ये फल हो गया। माँ से मौसम्बी, ये भी फल हो गया। जिसे आप जामुन याद रख लें, तो इस तरह से आपके ये फल हो जाते हैं। तो है ना, यहाँ पोमोलॉजी मतलब फल के नाम आ रहे हैं, और फल के नाम आ रहे हैं मतलब फलों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों। चलिए बात करते हैं माइक्रोलॉजी की। तो माइक्रोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक है ना, याद रखें कवक। अब इसे याद कैसे रखें, यहाँ देखें माइक्रो शब्द, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा है ना। तो कवक जो होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, छोटे। तो याद रख लें कि माइक्रो मतलब छोटे, तो कवक छोटे होते हैं। अब यहाँ देखें अब कि माइक, एक शब्द आता है माइक, माइक पर लोग क्या करते हैं, बकबक करते हैं, बकबक कहते हैं, बकते हैं ना, बकते हैं। तो याद रखें बकते हैं, इससे याद रख सकते हैं। और इसका माइक्रो का एक और यूज होता है माइक्रो कंप्यूटर में। माइक्रो एक कंप्यूटर का नाम होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होते हैं ना, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, माइक्रो से ना, माइक्रो कंप्यूटर है। चलिए बात करते हैं सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर वन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसे कैसे याद रखें, यहाँ देखें सिल्वी है ना, सिल्वी मतलब सागौन। आपने देखा होगा वन में अगर सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष होता है तो वो सागौना, सागौन है ना, सागौन बोलते हैं। जैसे हम सागौन भी बोलते हैं, सागौना भी बोलते हैं। तो सागौन का वृक्ष होता है। तो जो वृक्ष होता है वो कहाँ, वन में पाया जाता है। सागौन से याद रख लें, ये वन विज्ञान के अंतर्गत आता है, मतलब सिल्वी कल्चर वन विज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं सेरी कल्चर की। तो सेरी कल्चर से रेशम कीट पालन किया जाता है। और इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, यहाँ देखें एक शब्द निकल रहा है, सेरी मतलब साड़ी, साड़ी जो लेडीज पहनती हैं वो साड़ी है ना, याद रखें। और वो किसकी बनी होती है, रेशम की है ना, याद रखें, रेशम की साड़ी बनी होती है तो पहनती हैं। तो साड़ी से आप रेशम याद रख सकते हैं, तो बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगली जो शाखा है वो हमारी हर पेट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। आप देखें सरीसृप मतलब जिनका शरीर जमीन से सरकता हुआ चले, वो सरीसृप कहलाते हैं, सरीसृप। अब इसको याद कैसे रखने, याद देखें हर, हर मतलब हरी है ना, और पेट मतलब पेट के भर, हरी घास में कैसे पेट के भर सरीसृप लेटे रहते हैं, चलते हैं, सरक कर चलते हैं, याद सरक कर चलते, याद रख लें दोस्तों। तो बहुत आसान से आप ये से याद रख सकते हैं, हर पेट्रोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, बहुत आसान तरीके से आपको याद होगा। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए बात करते हैं सूक्ष्म जैविकी। तो सूक्ष्म जैविकी के अंतर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ सूक्ष्म है शब्द है, यहाँ भी सूक्ष्म है, यहाँ जीव है तो यहाँ जैविकी है, तो इसको याद रखना बहुत आसान है। अगली जो शाखा है वो हमारी है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के अंतर्गत मानवीय सौंदर्यकरण का अध्ययन, मानव जो है उसका सौंदर्यकरण कब होता है, जब वो केला खाए, कब खाए, सुबह खाए, वो दूध के साथ खाता है तो उसका जो सौंदर्यकरण है वो बढ़ जाता है। तो याद रखें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है ना। यहाँ देखा रोग विज्ञान, अब रोग विज्ञान की बात करते हैं। तो रोग विज्ञान के अंतर्गत रोग प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन, जो रोग है वो प्राकृतिक लक्षणों के कारण भी होते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे
आंतरिक शरीर में होते हैं उत्पन्न, और कुछ प्राकृतिक लक्षणों के कारण से भी हो जाते हैं, जैसे मौसम का बदलना। मान लीजिए मौसम आपका चेंज होता है तो आपको सर्दी जुकाम हो जाते हैं, तो इस तरह से प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन रोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। चलिए अगली शाखा के बारे में बात करते हैं। अगली जो शाखा है वो हमारी अनुवांशिकी। अब अनुवांशिकी के अंतर्गत वंशागति का अध्ययन किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब इसे याद कैसे रखना है, याद करने का तरीका यहाँ देखें, अनुवांशिकी यहाँ वंशागति। जो हमारे वंश हैं, वंशज बोलते हैं जिन्हें, वो हमारे एक से कैसे होते हैं, जैसे जैसे पिता है उसका पुत्र वैसा ही होता है ना, तो वंशागति कहलाता है। मतलब एक वंश से दूसरे वंश में उसके लक्षण जाना वंशागति कहलाता है, याद रखें दोस्तों। और जो वंशागति का अध्ययन होता है वो अनुवांशिकी शाखा के अंतर्गत आता है। तो याद रखें, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। अब इसे याद कैसे रखना है, यहाँ देखें मक्खी और यहाँ देखें एपी, है ना। एपी मतलब पीने की बात चल रही, तो मधुमक्खी क्या करती है, शहद को पीती है, वही छाता बनाती है और उसी को वो पीती है, तो उसी से अपना जीवन चक्र चलाती है। तो इसे याद रख लें आप। तो कितने आसान तरीके से दोस्तों हमने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को याद किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।